वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी पिछले साल, इसमें जरूर थोड़ा विलंब हुआ और वो विलंब इसलिए हुआ कि कोविड की सिचुएशन थी और इस कोविड सिचुएशन में एग्जाम लेने में दिक्कत आ रही थी। लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और धीरे धीरे कुछ और एग्जाम नीट के शुरू हुए और इन सब से कुछ अनुभव मिला, तो हमने तुरंत ये निर्णय लिया कि हम ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे और 15 दिसंबर से हमने ये एग्जाम शुरू कर दिया था। इसमें 2.44 करोड़ कैंडिडेट्स हैं और इसकी हमने पूरी एक डिटेल्ड प्लानिंग की है, वो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा। ये डिफरेंट तीन कैटेगरी के पोस्ट थे जिसमें बताया गया है कि पहली कैटेगरी जो थी आइसोलेटेड कैटेगरी, इसका एग्जाम पूरा कर लिया गया है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में, और जो दूसरा एग्जाम है जिसमें कि 1.28 करोड़ कैंडिडेट है, इसका एक पहला फेज हमने अनाउंस कर दिया है, वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा और उसके बाद दूसरा फेज 16 जनवरी से होगा। जो हमारा प्रैक्टिस है वो हम 10 दिन पहले अनाउंस करते हैं, तो 16 जनवरी का जो फेज है हम बल्कि 15 दिन पहले जनवरी के उसके डिटेल्स अनाउंस कर देंगे, और जो 28 दिसंबर से एग्जाम हो रहा है उसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। कुछ उसकी जो मुख्य बातें थी आप लोगों के माध्यम से हम कैंडिडेट्स को बताना चाहते थे। और जो तीसरा एग्जाम है वो 1.15 करोड़ उसमें एप्लीकेशंस आई हैं लेवल वन की। ये जब एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद उस एग्जाम को प्लान करेंगे एक कंटिन्यूअस बेसिस पे एग्जाम। इसमें ये डिटेल्स इसमें दी गई है, जो पहला फेज 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक प्लान किया गया है, ये 12 दिन तक एग्जाम चलेगा, 24 शिफ्ट में है और इसमें करीब 23 लाख कैंडिडेट हैं। इस बार हमने ध्यान रखा है कोविड को ध्यान की ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके होम स्टेट में ही परीक्षा का हम सेंटर दे पाए, और स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको तो बिल्कुल उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास नियरेस्ट जगह पे ही दे ताकि जर्नी कम से कम करनी पड़े, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाए ये हमने व्यवस्था की है। जो आरआरबी की वेबसाइट पे है उस पे सब कुछ हमने ऑनलाइन रखा हुआ है, वो अपना एडमिट कार्ड ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जो ट्रेवल अथॉरिटी है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। केवल आपके माध्यम से हम कैंडिडेट्स को ये अनुरोध करना चाहेंगे कि वो ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे ही जाएं और वहीं से सूचना लें। सारी सूचना जो ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी की है उस पे दी जा रही है, और मेरा आप लोगों के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी और साइट पे ना जाएं और केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की उस पे जाएं और उस पे हर तरह की सूचना दी जा रही है। और हमने ये भी इंतजाम किए हैं कि किसी वजह से अगर कोई कैंडिडेट किसी शेड्यूल डेट पे परीक्षा नहीं दे पाता है तो वो हमको बताए और उसके लिए हम दूसरी डेट तय करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन है, कभी ट्रेवल में दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकती है, लेकिन वो हमको उनको बताना चाहिए तुरंत। और सारे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है, आरआरबी के वेबसाइट पे सारे डिटेल दिए गए हैं और पूरी तरह से जो रेलवे ने व्यवस्था की है वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए व्यवस्था की है, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए किया है, और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम स्पेशल ट्रेन भी चलाएंगे और हम करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। ये कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे, उनके टेम्परेचर चेक होंगे, उनको फेस मास्क लगाना होगा। हमने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि आप कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव कोई लेके आइए, हम बस सेल्फ डिक्लेरेशन चाहते हैं कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको कोविड से कोई समस्या नहीं है, आपका जरूर टेम्परेचर चेक किया जाएगा और फेस मास्क आपको लगाना होगा। और सारे सेंटर्स पे हमने व्यवस्था कर रखी है कि कोई क्राउडिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। और एक वीडियो लिंक यहाँ पे जो दिया गया है, एक वीडियो दिखाया गया है, कैंडिडेट चाहे तो वो देख सकते हैं कि जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो क्या वर्क फ्लो रहेगा, कैसे उनको एग्जाम हॉल में किस तरह से एग्जाम देना है,
उसका पूरा एक वीडियो बना के इस पे अपलोड किया गया है ताकि कैंडिडेट को पहले से पता चल जाए कि जब वो एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो किस तरह की परिस्थिति होगी, क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए। और हर तरह के वहां इंतजाम किए गए हैं, फ्लोर मार्कर्स लगे हुए हैं एंट्री पॉइंट पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, गन्स हैं जिनसे कि ई कॉल लेटर दूर से ही चेक कर सकते हैं बिना छुए हुए, टेम्परेचर चेक एंट्री पे हो सकता है थर्मो गन से दूर से ही, उनकी फ्रिस्किंग भी होगी वो सेल्फ यूजिंग HHMD डिवाइस से होगी, दूर से ही उनकी फ्रिस्किंग की जाएगी और उनके ई कॉल लेटर और ओरिजिनल ID प्रूफ उनको अपने साथ लेके आना चाहिए और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके आना चाहिए। ई कॉल लेटर साथ में होना चाहिए, ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए और COVID-19 का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उनको लेके आना चाहिए एग्जाम सेंटर पे। उनकी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करके होगा, फोटो उनकी कैप्चर होगी वहां पे वेब कैमरा में, कैंडिडेट की जो सीट्स है उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू होने से पहले और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। और ये एक जो चित्र दिखाया गया है कि एक एक सीट छोड़ के बिठाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक संभव हो उसको फॉलो सबको करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है इस कोविड के समय में। और हमने भारतीय रेल ने कर रखी है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने आएंगे उनको हर तरह की सुविधा दी जाए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। ऐसे ही उनकी एंट्री और एग्जिट में पूरा इंतजाम किया गया है कि लोग धीरे धीरे निकलें, बिना क्राउडिंग किए हुए निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एंट्री करें, एग्जाम के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जिट करें। तो ये आपके माध्यम से मैं सारे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर रहा था।